नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। होली के दिन बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए दो बच्चे की डूबने से हुई मौत, 48 घंटे बाद मिला दोनों बच्चों का शव। मंगलवार को तुर्की यूपी क्षेत्र के तारासन गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। और मड़वन प्रखंड के रेपुरा गांव के समीप लीची बागान में आधा दर्जन मरा हुआ कौवा मिलने से इलाके में मची हड़कंप। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। तुर्की ओपी क्षेत्र के तारसन गांव में मंगलवार को आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, बीच बचाव करने गए कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तुर्की ओपी क्षेत्र के तारसन गांव में हुए हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि तुर्की ओपी क्षेत्र के तारसन गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी, इसमें एक जख्मी की मौत की अफवाह पर मंगलवार को बवाल हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के घरों पर हमला कर दिया, लाठी डंडे और लोहे के रॉड से लैस होकर तोड़फोड़ की बाइकों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही आग लगाने का भी प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची तुर्की पुलिस पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। रोड़ेबाजी में तुर्की प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थिति बिगड़ने पर एसडीओ पश्चिमी एके दास व एसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद मौके पर पहुंचे, जहां उपद्रवियों ने दो अपराधियों को भी घेर लिया और उनके गाड़ी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मामला बिगड़ता देख जिले के एसएसपी जयंत कांत, सिटी एसपी राजेश कुमार सिंह सहित कई थाने के पुलिस सहित सिक्योरिटी, दंगा नियंत्रण और सैफ के साथ मौके पर पहुंच हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने मौके से दर्जन भर से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया, मामले को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर जेल भेजा जा रहा है। मामले में अभी कुल 13-14 गिरफ्तारियां हुई है और सभी लोग इसमें जेल जाएंगे। अभी वहाँ स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है और पुलिस हम उस पर हमेशा निगरानी रखे हुए, पुलिस वहाँ पे कैंप भी कर रही है और जब तक पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो जाती पुलिस वहाँ पे कैंप करती रहेगी। सर, कुल कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? प्राथमिकी काफ़ी लोगों पर दर्ज हुई है और उसको चिन्हित भी किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियो भी मिले हैं, उससे उन लोगों की पहचान हो रही है। प्रथम दृष्टया सर मामला क्या प्रकाश में है, क्योंकि आप लोग गए थे वहाँ पर? मामला ये बिल्कुल आपसी विवाद का मामला था, दो जाति समुदाय के लोगों के बीच का मामला था, जिसको कि बाद में दूसरे रूप दे करके लोगों को भड़का दिया गया और लोग भड़क गए। होली के दौरान श्रीघाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई, 48 घंटे के बाद घाट के ही समीप दोनों बच्चों का शव मिला। ब्रह्मपुरा इलाके के दो बच्चों का शव एसडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे के बाद बुधवार की अहले सुबह सिकंदरपुर के श्रीघाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार होली खेलने के दौरान ब्रह्मपुरा इलाके के कुछ लड़के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी में नहाने को गए थे। इसी क्रम में सिकंदरपुर श्रीघाट के समीप नदी में तीन लड़के डूब गए। शोरगुल पर स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से एक किशोर को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो लापता थे। वहीं तकरीबन 48 घंटे के बाद बुधवार की अहले सुबह अन्य दोनों युवकों का शव श्रीघाट के समीप ही पानी में उपलाता मिला। घटना की सूचना पर सिकंदरपुर ओपी के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि होली के दिन से ही जिला प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ की मदद से दोनों लापता किशोरों की तलाश बूढ़ी गंडक नदी में की जा रही थी। इसके बाद आज दो का शव बरामद किया गया। कि जो जानकारी हुई हम लोगों को उस समय से कंटिन्यू हम सर समाज मिलकर के हमारे सहयोगी भाई बन पार्षद साहब का सभी आदमी का सहयोग मिला, प्रशासनिक स्तर से भी सब सहयोग मिला।
जो होना हुआ? बच्चा सुबह में बरामद हुआ है। कैसे तैर रहा था ना कि उसी में जो है सो कि फूल के निकला था, लोग खबर किए। हम भी अपने पिताजी के क्या कहते हैं अंतिम संस्कार करके के सुबह में आए जी। फिर हम यानी होली के दिन की घटना है, होली के कल होकर के पिताजी एक्सपायर किए। आज अब इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। क्या प्रशासन से अभी तक सहयोग मिल पाया है? लोग आश्वासन है, सब मिलवे करेगा सहयोग। विशेष हल्ला हंगामा करने से भी कुछ वो अच्छा चीज़ नहीं है। सहयोग लोग करिए रहे हैं, करबे करेंगे, दिलेबे करेंगे, सब हमारे साथ हैं। तो फिर हमको क्या, हम तो बच्चा गया लेकिन बच्चा हमारा नहीं, इनका है। आपके लड़का का क्या नाम है? समी कुमार मिश्रा। दूसरा बच्चा उज्ज्वल, उज्ज्वल राज। वहीं पूरे मामले में सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे की डूबने के बाद सूचना मिलने पर SDRF की टीम द्वारा लगातार ढूंढा जा रहा था। इसी क्रम में आज शव पानी में बरामद किया गया। एक दिन नहाने के क्रम में तीन लड़के डूबने लगे थे, लेकिन एक को प्रयास करके बचा लिया गया, लेकिन दो डूब गए। दो दिनों से हमारा SDRF टीम उसमें लगी हुई थी, उस डेड बॉडी को तलाश करने में। आज उन दोनों लड़कों का डेड बॉडी वही सीढ़ी घाट के पास से ही मिला है। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद सिटी SP राजेश कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। जिले में अपराधियों का दहशत तो जारी ही है, लेकिन अब एक फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक जो कि लाल कलर का कुर्ता पहने हुआ है और हाथ में हथियार लेकर लहराता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, हाथ में लिया हुआ हथियार से फायरिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की खुलेआम फायरिंग पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद सिटी SP राजेश कुमार ने जांच का आदेश दे दिया है। जानकारी के अनुसार वीडियो सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले में सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हम लोग का भी संज्ञान में आई है, एक वीडियो है, इसमें हर्ष फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति का पिक्चर है। इसको हम लोग उसको पहचान करने का कोशिश कर रहे हैं, कौन आदमी है। पहचान के होने के पश्चात उनके विरुद्ध में विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। गर्मी की धमक शुरू होते ही शहर में पानी का लेवल नीचे चला गया है। वार्ड नंबर 40 के अधिकांश हैंडपंप सूख गए हैं, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी आते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गहराने लगती है, जिसे दूर करने के लिए भले ही प्रशासन दावा करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही मामला नगर के वार्ड नंबर 40 में देखने को मिला। वार्ड 40 के लोगों ने बताया कि पेयजल की समस्या सबसे गंभीर है, क्योंकि इस वार्ड में लगे सभी चापाकल बंद हो गए हैं। एक चापाकल भी चालू नहीं है जिसमें राहगीर तक पानी पी सके। वहीं नल जल योजना से अब तक एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा है। वार्ड में अभी पूरे घरों में पाइप तक नहीं बिछाया गया है। वार्ड में पेयजल की समस्या सबसे गंभीर है। इस वार्ड में एक भी चापाकल चालू नहीं है। वार्ड के लोगों के अलावे आने जाने वाले लोगों को भी पानी के लिए सत्यनारायण मंदिर और शीतला माता मंदिर, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहां से लाना पड़ता है। वार्ड में पेयजल की समस्या का कारण नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं होना है। चापाकल भी खराब है, इसके लिए विभाग को आवेदन दिया गया है, पर अभी तक इस मामले में कोई भी पहल नहीं हो रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। महादेव मंदिर के पास वो पानी लाते हैं, रोड पर से बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कैसे घर का काम कैसे चल रहा बगैर पानी के? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो बच्चा लोग को भी पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है। शाम को पहले बोलते है पानी लेके आओ, तब जाना कहीं कोचिंग स्कूल, इसीलिए बहुत समस्या है। कितना दूरी से लेके आ रही है पानी? करीबन 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर यहाँ से लाते हैं पानी। कोरोना टीकाकरण के दूसरे फेज में जिले के 101 केंद्र पर सीनियर सिटीजन को युद्ध स्तर पर टीका दी गई। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना व बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले 3,74,761 पेंशनधारियों को टीका देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसके लिए जिले के 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक केंद्रों पर पेंशनरों के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए तैयारी पूरी है। हर जगह पर टीकाकरण की कड़ी निगरानी हो रही है, जिसमें बुजुर्ग बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। बुधवार को 101 साल की राम छवेली देवी ने टीका लगवाया और कहा कि टीका जरूर लगवाना चाहिए। परिचय है, उनका नाम है, 105 वर्ष की हैं, वो राम छवेली देवी हैं, जो शिवहर जिले से है, थाना तरियानी, और गांव का नाम है हीरासा, हीरासन ऐसे बोल रहे थे, और वो लोग अभी यहाँ छाता बाजार के पास रह रही हैं, और एलिस कॉलेज में उनका लड़का एम्प्लॉय है, तो उनके बेटे और बहू दोनों मिलकर आए थे लेकर के, जो बहुत ही उत्साह दिखा। और वो सबसे बड़ी बात की, उनका मेमोरी अभी भी एकदम पूरे से काम कर रहा है, अभी भी कुछ भी अपना भूली नहीं है। उनके एक भाई थे जो 100 साल का होकर मर गए, और ये 105 साल की हैं। हमने उनसे पूछा कि आपका उम्र कैसे आपको पता, तो बोले हमको सब पता है, मेरा भाई 100 साल होकर डेथ कर गया और मेरा 105 वर्ष है अभी। तो हम बोले आपकी बहू तो बोल रही है 102 वर्ष, तो नहीं, मैं 105 वर्ष की हूँ। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं टीका। हाँ, और बहुत उत्साह था उनमें, देखने को मिला है। वो बोलकर भी गई हैं कि हमारे आस पड़ोस जो भी होंगे, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हो या जेंट्स हो, तो पुरुष, तो उनको मैं यहाँ पे भेजूँगी। और मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इतना अच्छा से सेवा सत्कार करके। तो कोई दिक्कत नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं ना, अच्छा लग रहा है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते ही कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान, लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है,
अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मड़वन प्रखंड के रेपुरा गांव के समीप लीची गाछी में आधा दर्जन कौवे के मरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद पशुपालन विभाग की टीम जांच में जुटी। जिले के मड़वन प्रखंड के रेपुरा दरबार के निकट लीची बागान में आधा दर्जन से अधिक कौवे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रांत बीमारी को लेकर भय व्याप्त हुआ है। स्थानीय लोगों ने पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पशुपालन विभाग मौके पर पहुंचकर मृत कौवों का सैंपल लिया और सभी कौवों को लीची बागान में ही जमींदोज कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अहले सुबह से ही कई कौवे लीची बागान के आसपास मंडरा रहे थे और काफी शोर शराबा भी कर रहे थे, जिसके बाद लोग पहुंचे तो देखा कि एक दो नहीं कई कौवों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी गई और टीम ने आकर अपना काम किया है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो अचानक कौवे की मौत से इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों द्वारा बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। 3 बजे भोर से कौवा की बोलने की आवाज हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा का छटपटा छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। इधर मामले में जिला पशुपालन अधिकारी सुनील रंजन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना के बाद एक टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया है। जांच के उपरांत सैंपल कलेक्ट कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड के रेपुरा गांव में जो लीची का बागान है, उसमें कौवा कम से कम 10 कौवा का मरने की सूचना हमको है। जाँच टीम अभी गई हुई है, जाँच कर रही है, सबको जो है SOP के अनुसार उसको डीप ब्रीड करा रही है और उसका डिस्पोजल करा रही है। उसके बाद सीरम कलेक्शन वहाँ से हो रहा है, अगल बगल सीरम कलेक्शन करके आज शाम तक में उसको पटना, हम लोग LRS पटना में उसको भेज देंगे। उसके बाद LRS पटना से वो RDDL
कोलकाता जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि क्या है, क्या मैंने कौन बीमारी से है, उसके बाद हम इस पर कुछ हम लोग पता लगाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी अभी तक कौवा मरने का आया है, कभी भी हमारे यहाँ से अभी पुष्टि बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है कि हम बर्ड फ्लू से मरा हुआ है। हाँ, तो देखिए कुछ भी कोई भी कांड हो जाता है तो दहशत रहता है, लेकिन हम लोग तो सब ग्रामीणों को बोले हैं कि आप लोग मुर्गा मुर्गी जितना अंडा है सब खाइए, किसी तरह का कोई भी बर्ड फ्लू का भी इस तरह का लक्षण नहीं है, आप लोग निर्भीक होकर खा सकते हैं। मनियारी थाना की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मुड़ौल निवासी प्रेम शंकर सिंह SSP से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। मनियारी थाना की पुलिस द्वारा एक मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पीड़ित प्रेम शंकर सिंह ने बुधवार को SSP से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित प्रेम शंकर सिंह के द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि वह मनियारी थाना क्षेत्र के मूड़ गांव के रहने वाले हैं। बीते 28 मार्च को वह बाजार से घर लौट रहे थे, इसी क्रम में गांव के ही समीप कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनको घेर कर उनके साथ मारपीट की गई। शोर मचाने पर जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश भाग निकले। उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बताया कि फूलों के द्वारा रंगदारी मांगा गया और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद बुधवार को SSP से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। 28 तारीख को 7:10 में हम घर का सामान खरीद करके लौट रहे थे अपने घर, तो रास्ते में उसका घर पड़ता है राम बाबू राम, उनका 5-7 आदमी से और मोटरसाइकिल लगा करके हमको रास्ते पर खड़े थे और हमको घेर लिए चारों तरफ से, और घेर करके हमको रंगदारी मांगे कि होली के खर्चा दो, रंगदारी दो। हम कुछ नहीं बोले, उसके बाद हमको पकड़ लिया, मोटरसाइकिल पर से खींचने लगा, गर्दन में गमछा लपटा बांध दिया। उसके बाद लोग सब उधर से पीछे से हाट से आ रहा था रास्ते से गड़ा में, तो सब छोड़ करके जो हाथ मोटरसाइकिल वाला था पिस्टल लिए हुए था, वो पिस्टल ले करके सब और भाग चला पश्चिम की तरफ मेन रोड की तरफ। वहाँ से फिर हम लोग किसी तरह से बच के घर गए। घर जाने के बाद सब लोग को सूचना दिए, उसके बाद उसको घर पर हुआ जहाँ मेरा भांजे रहता है प्रियंका, उसको प्रियंका को हम कहे थे, प्रियंका ने वो अपना चाचा को फ़ोन लगाया तो चाचा ने कहा कि हाँ 2-3 दिन के अंदर में उसका हत्या कर देंगे, आगे बच के निकल गया ना तो उसको आगे हत्या कर देते इसी समय, लेकिन उसको 2-3 दिन के अंदर में हत्या हो जाएगा। सब सिटी हो गया है, मंत्री विधायक दरोगा फरोगा कोई कुछ नहीं करेगा। आज यहाँ क्या करने आए? SP साहब को हम आवेदन देने आए, इससे पहले भी अनुमंडलाधिकारी को आवेदन दिया गया था, तुर्की थाना को दिया गया था, लेकिन कोई PIR कार्यालय में सेवानिवृत्त हुए सहायक ऑपरेटर आलोक कुमार को साथी पुलिस कर्मियों ने विदाई दी। जिला PIR कार्यालय में पुलिस निरीक्षक ऑपरेटर पद पर पदस्थापित आलोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान PIR कार्यालय में सभी पुलिस कर्मी शामिल हुए। समारोह के दौरान आलोक कुमार को सभी कर्मियों ने अंग वस्त्र तथा माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान आलोक कुमार काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया और यह पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया। में हम आए 1984 में, 15 फरवरी 1984 में, यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोगों का सानिध्य रहा, विशेष रूप से सारे लोग बड़िए रहे हैं, उन लोगों के सानिध्य से काम करने का और काम कराने का ढंग सीखे। जो लोग भी हमारे बाद हैं या जिनको हम जवाबदेही दे करके जा रहे हैं, ये तो प्रक्रिया है, एक आदमी को जाना है, एक आदमी को फिर आगे बढ़ना है, बस यही कहना है कि अपने सहयोगी को नज़रअंदाज न करें, काम कराने का और काम लेने का भावना रखें, सहयोग करने का भावना रखें। जो हम अपने आगे चलने वाले लोगों से जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिस कैटेगोरी में हम आज आ गए हैं, उन लोगों से सीखे हैं, उसी पग पर इन लोगों को बढ़ने के लिए हम जो हैं फीटर है, हरिनाथ झा नाम है, वर्कशॉप में है, और आलोक बाबू जो हमारे बहुत जैसे अति रहा उनका हम लोग के प्रति बहुत स्नेह रहा और हम लोग के उनसे प्रति बहुत लगाव ही रहा है, उनका कार्य बहुत संतोषजनक रहा है हम लोग के प्रति, हम लोग के सदा उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? फीटर हरिनाथ झा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारे पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।